गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से समझना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, एक साइड पॉजिटिव प्लेट, सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं ताकि कंफ्यूजन कुछ नहीं हो। इन प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी ले लेते हैं, चार्ज क्यू कंसीडर कर देता हूं। क्लियर? कोई अर्थिंग नहीं करी, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम सारा। अब देखो, एक मैंने आपको इनफाइनाइट लॉन्ग शीट गॉस लॉ की एप्लीकेशन करवा ली है। ऐसी ऐसी एक शीट ली थी, इसका गॉसियन सरफेस बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। वैसे ये प्लेट कंसीडर कर लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहां हुआ है। तो भैया दो प्लेट लगाई जाएंगी सरफेस एरिया वाली, इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से बाहर की तरफ जा रही है, नेगेटिव वाले में हम जानते हैं इनसाइड है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव में एंटर कर रही है, इस प्लेट की वजह से सिग्मा बाय टू एप्साइलन, इसकी वजह से सिग्मा बाय टू एप्साइलन आउट। क्लियर है? तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पैरेलल प्लेट्स, दोनों पैरेलल प्लेट्स की वजह से, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? सिग्मा बाय टू एप्साइलन नॉट प्लस सिग्मा बाय टू एप्साइलन नॉट, दैट इज सिग्मा बाय एप्साइलन। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज क्यू बाय ए। पुट कर देता हूं इसको, फर्स्ट इक्वेशन नेम दे देते हैं इसको सेकेंड। पुट सेकेंड एंड फर्स्ट, ई नेट कितना आ जाएगा? ए इक्वेशन। अब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रिलेशन किया हुआ है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी इज इक्वल टू ई क्रॉस बी होता है। ध्यान रखना, जिसने पिछले लेक्चर नहीं अटेंड करे वो ध्यान रख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डिस्टेंस से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल की वैल्यू यहां से आ जाती है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी। बी इक्वेशन। अब मुझे निकालनी क्या है? कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस क्या होती है? क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। क्यू एज इट इज, वी की वैल्यू क्यू इंटू में डी बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, डी इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। एक चीज ध्यान रखना भी, जो एरिया है वो हमेशा मीटर स्क्वायर में लोगे, सेपरेशन मीटर में लोगे। ये जनरली मिलीमीटर में दिया होता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या किसी भी यूनिट में दिया आपने उसको कन्वर्ट कर लेना, नोट डाउन कर लेंगे।